अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सफियान खान, वेलकम टू माय सफियान मोटरिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूँ वो है निसान GTR R35 जो कि निस्मो वेरिएंट है, क्योंकि ये पाकिस्तान में सिर्फ एक ही गाड़ी है जो कि निस्मो वेरिएंट में आई है अभी तक, एंड ये जो है 2009 मॉडल है। आज मैं आपको इसकी डिटेल रिव्यू दूँगा, इसके कुछ सिनेमेटिक शॉट्स अलग से अपलोड होंगे और डिटेल रिव्यू जो है जिस तरह आप मेरे और वीडियोज़ देखते हैं उसी तरह कम्प्लीट डिटेल वॉक अराउंड आपको दूंगा। तो आइए इस गाड़ी की डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी की अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 3.8 लीटर V6 यानी 6 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि ट्यून है, जिसमें आपको सेट कैटलाइजर, HKS ब्लो ऑफ वॉल, ब्लिट्स बूस्ट कंट्रोलर एंड ECM एंड TCM ये ट्यून है। इस GTR R35 की जो मेन ख़ास बात है वो ये है कि इसको आप जितना चाहें उतनी आप इसकी हॉर्स पावर बढ़ा सकते हैं, यानी इसको आप ट्यून करके मज़ीद 2000 तक आप इसको हॉर्स पावर पर ले जा सकते हैं। इस गाड़ी की जो यही मेन ख़ास बात है वो ये है कि इस गाड़ी की इंजन जो है वो हैंडमेड इंजन है, क्योंकि निसान के अंदर ऐसे दो बंदे हैं जैपनीज़ जो कि वो दोनों बंदे ही सिर्फ और सिर्फ इसके इंजन को असेंबल करते हैं। एंड अगर हम इसके हॉर्स पावर की बात करें तो ये जो है इस वक्त 500 टू 550 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसके ऑनर ने हमें बताया कि वो इसको मज़ीद ट्यून करेंगे क्योंकि इसके लिए कुछ किट्स इन्होंने मंगवाई है जो कि HKS टर्बो किट मंगवाई है, फ्लेक्स फ्यूल किट विद एथेनॉल E85 ट्यून, एंड इसके अलावा FIC 1200cc फ्यूल इंजेक्टर्स, वॉलब्रो फ्यूल पम्प मंगवाया है इसके लिए, एंड इसकी जो है HKS इंटर कूलर एंड HKS सर्च टैंक मंगवाए हैं जो कि वो सोच रहे हैं कि इसको अब मैं मज़ीद ट्यून करूंगा तो तकरीबन 800 टू 900 हॉर्स पावर पर वो सोच रहे हैं कि मैं इसको लेकर जाऊं, वो भी मैक्स पावर से ये ट्यून होगी, जो कि इस वक्त ये गाड़ी फ़िलहाल तो हाई ऑक्टेन पे चल रही है लेकिन उसके बाद ये जो है फिर इथेनॉल पे ही शिफ्ट हो जाएगी, जो कि इसकी एवरेज की अगर हम बात करें तो ये इसकी एवरेज टू 5-6 किलोमीटर पर लीटर विद हाई ऑक्टेन पेट्रोल पर यह आपको देती है। ये रही गाड़ी की जो कि कार्बन फाइबर कवर में फिक्स की गई है, जिसमें लॉक अनलॉक ट्रंक रिलीज़ का बटन दिया गया है। आई गाड़ी को अनलॉक करते हैं एंड इसकी इंटीरियर फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं एंड उसके बाद जो है इसकी एक्सटीरियर चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलता है, जो कि इसके डोर हैंडल जो है वो काफ़ी यूनिक स्टाइल में बनाई गई है। अगर हम इसके डोर पैनल की बात करें जो पहली नज़र पड़ती है वो इसकी फ्रेमलेस डोर है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल यहाँ पे मिरर मिलेगा, फ्रेमलेस है ये, जिसके यहाँ पे आपको इसके कार्बन फाइबर इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई है, जो कि साइड विंडोज़ के कंट्रोल पैनल में भी यहाँ पे कार्बन फाइबर मिलेंगे जो कि स्टील के साथ ही फिक्स की गई हैं, जिसमें सेंटर लॉकिंग एंड विंडोज़ चाइल्ड लॉक भी इसमें प्रोवाइड की गई है, काफ़ी हैंडी है। एंड इसके अलावा यहाँ पर एक कारपेट स्टाइल में यहाँ पर आपको पैनल मिलेगा, जिसमें थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस दी गई है जो कि नेक लेदर प्रोवाइड की गई है, एंड इसमें फ्रंट में जो है जिस साउंड सिस्टम देखने को मिलेगा एंड रियर में आपको दो बॉस सिस्टम मिलेंगे साउंड सिस्टम। तो आइए गाड़ी स्टार्ट करते हैं।
गाड़ी में यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसकी प्लेसमेंट जो है वो पोजीशनिंग वो काफ़ी अच्छी है, कार्बन फाइबर में इसके पैनल देखने को मिलता है। तो गाड़ी की अगर हम इसकी गेज क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको सिंपल गेज क्लस्टर मिलता है, जो कि लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, दरमियान में आपको आरपीएम, आरपीएम के अंदर यहाँ पे टीएफटी स्क्रीन, साथ में यहाँ पे आपको यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रोल मिलता है, जिसकी ब्राइटनेस आप यहाँ से हाई एंड लो कर सकते हैं, साथ में फ्यूल गॉज एंड हीट एंड कूल का गॉज मिलता है, एंड गियर इंडिकेशन के लिए अलग सी स्क्रीन बनाई गई है जो कि सर्कल शेप में है। इसके अलावा गाड़ी की अगर हम इसकी स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो काफ़ी ग्रिपी लेदर स्टिच के साथ इसका स्टेयरिंग व्हील, थ्री स्पोक टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील मिलता है, जिसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें वॉल्यूम डाउन एंड अप के कंट्रोल है, साथ में इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिलते हैं, एंड राइट साइड में यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, साथ में और इसमें कुछ फीचर्स हैं इसके क्लस्टर के, एंड दरमियान में लेजेंडरी GTR की बैजिंग मिल जाती है, एंड गाड़ी में यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी प्रोवाइड की गई हैं, जो कि आप इसको मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी की अगर हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि गाड़ी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, यानी अक्सर हम आफ्टर मार्केट गैजेस लगाते हैं, लेकिन इसमें कंप्लीट गैजेस जो है वो कंपनी प्री इंस्टॉल आती है, जो कि डिजिटल फॉर्म में, जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बूस्ट का गेज मिलता है, एंड उसके साथ यहाँ पे इंजन ऑयल टेम्परेचर देखने को मिलता है, साथ में इंजन ऑयल प्रेशर दिया गया है, जो कि आप यहाँ से इजीली आपको मिलता है। अगर हम इसके सेकंड पेज पे आ जाएँ तो यहाँ पे आपको वाटर टेम्परेचर, इंजन ऑयल टेम्परेचर एंड उसके साथ फ्यूल रेंज जो है वो आपको बता दिए हैं, साथ में डिजिटल स्पीडोमीटर, एंड दरमियान में लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपको बूस्ट कंट्रोल, यहाँ पे भी उसके गेज मिलते हैं, जो कि काफ़ी इजीली एंड हेल्प करती है ड्राइवर को ड्राइविंग के दरमियान, या इसमें रेस लगाते वक्त आपको इजीली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको फ्यूल फ्लो, साथ में फ्यूल रेंज, इंजन ऑयल प्रेशर, एंड यहाँ पे अगर हम इसके फोर्थ पेज पे आ जाएँ तो यहाँ पे आपको रेल व्हील ड्राइव एंड फोर व्हील ड्राइव का जो कम्प्लीट टॉर्क सिस्टम है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, एंड साथ में नीचे जो है एब्सोल्यूट जी, अब इसका कुछ इंफॉर्मेशन है जो मुझे ख़ुद भी नहीं पता, किलोमीटर पर लीटर ये आपको प्रोवाइड करती है, क्लॉक दिया गया है, फ्यूल फ्लो एंड डिजिटल फॉर्म में, इसके अलावा यहाँ पे एक्सेलरेशन जी जो इसको नाम दिया गया है, इसमें कंप्लीट एक ग्राफिकली आपको ग्राफ मिलता है, एंड साथ में ब्रेक परसेंटेज ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एंड ऊपर जो है डिजिटल स्पीडोमीटर भी मिलता है, यहाँ पे कॉर्नरिंग जी, जो कि इसके कंप्लीट कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमें भी कुछ ख़ास नहीं पता, एंड साथ में यहाँ पे आपको इसके स्टेयरिंग व्हील पोजीशनिंग देखने को मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं स्टेयरिंग व्हील को मूव कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पर पोजिशन ये बताती है, एंड साथ में यहाँ पे नीचे जो है इसके क्लाइमेट कंट्रोल AC भी ये प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अगर D उसमें आ जाए तो गियर पोजीशनिंग आपको बताता है कि कितने गियर में हमने गाड़ी को कितना इसको बूस्ट किया है और सेकंड गियर में कितना, कंप्लीट ये ड्राइवर समरी जो है ये आपको प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव इसमें इंफॉर्मेटिव सिस्टम लगा हुआ है, एंड यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि जैपनीज़ बटन्स इसमें दी गई हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लार्ज साइज़ में कार्बन फाइबर में एक पैनल मिलता है, जिसके ऊपर जो है इसमें ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स, वॉल्यूम डाउन अप एंड साथ में TV, ऑक्स, डिस्क, FM रेडियो, AM के कंट्रोल मिलते हैं, साथ में नीचे उसके साथ डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है, एंड उसके नीचे एक स्टील पैनल में यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं जो कि एक जॉयस्टिक गियर शिफ्ट में दिए गए हैं, जिसमें आपको रेयर व्हील के कंट्रोल एंड शॉक्स के कंट्रोल जो है आप यहाँ से कंफर्ट एंड उसको कर सकते हैं, स्नो को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड साथ में यहाँ पे आपको रेयर व्हील टायर जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी की अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें यहाँ पे आपको 6 स्पीड CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि आप मैन्युअली भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको एक नीचे कंप्लीट कार्बन फाइबर में यहाँ पे पैनल मिलता है, जिसके अंदर पुश स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, साथ में यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको 2 ग्लास कप होल्डर्स मिलते हैं,
एंड यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स मिलता है जिसके अंदर HDMI केबल का सॉकेट एंड साथ में चार्जिंग डॉक्स भी दिए गए हैं। रियर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक ग्लास कप होल्डर दिया गया है, साथ में दो स्पीकर दिए गए हैं जो कि बॉस कंपनी के हैं, जो कि कंप्लीट अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की साउंड सिस्टम है। एंड यहाँ पे रिकारो के बकेट सीट मिलते हैं जो कि लेदर मरून कलर में देखने को मिलते हैं। एंड अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि कुछ ख़ास स्पेशियस नहीं है। एंड यहाँ पे लेदर स्टिच में मरून कलर में इसके डैशबोर्ड के ऊपर लेदर मिलता है, जिसके एसी वेंट्स के अंदर भी कार्बन फाइबर मिलता है। एंड साथ में यहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट कुछ स्क्रीन देखने को मिलेंगे जो कि यही आप गाड़ी को ट्यून करके उसकी कम्प्लीट इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती है। इसके अलावा गाड़ी में यहाँ पे आपको CD चेंजर मिलता है जो कि इसके कॉन्सोल के अंदर ही फिक्स की गई है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको साइड मिरर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि आप यहीं से ही कंट्रोल कर सकते हैं। एंड साथ में गाड़ी में यहाँ पे आपको एक सॉकेट मिल जाता है जो कि लाइटर है, जो कि स्मोकर्स के लिए एक अच्छी ऑप्शन है। एंड इसके अलावा गाड़ी की अगर हम इसके रेयर सीट्स की बात करें तो रेयर सीट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो बॉस के स्पीकर्स मिलते हैं जो कि इस प्रीमियम क्वालिटी में दी गई है, आप देख सकते हैं। दरमियान में एक आर्म रेस्ट लार्ज साइज़ में दिया गया है। अगर हम इसके लेग स्पेस की बात करें तो मेरी हाइट जो है वो 5'9" है, तो मैं इजीली इसमें एडजस्ट हुआ हूँ। जो कि ये गाड़ी 4-सीटर है तो मेरे ख्याल से ये इसमें दो बंदे पीछे जो है वो आराम से ही आ सकते हैं अगर हम अगली सीट को थोड़ी सी आगे करें। तो गाड़ी की अगर हम इसके एक्सटीरियर फ्रंट लुक डिज़ाइन की बात करें तो ये गाड़ी बिल्कुल आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये गाड़ी ख़ुद ही बता रही है कि मेरी एक शेप है। GTR एक लेजेंडरी गाड़ी रह चुकी है और है भी लेजेंड गाड़ी, जैसा कि आपने फास्ट एंड फ्यूरियस में भी देखी होगी। पॉल वॉकर की वजह से ये गाड़ी काफ़ी मशहूर हो गई है। जिसकी अगर हम इसके फ्रंट लुक डिज़ाइन की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फेसलिफ्टेड वेरियंट है क्योंकि ये निस्मो वेरियंट में आती है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो चेंज है, एक प्लेट इसके अंदर इंस्टॉल की गई है क्योंकि ये प्री इंस्टॉल आती है। एंड इसके अलावा गाड़ी की अगर हम इसके हेडलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको टेट्रा LED प्रोजेक्शन लैंप्स मिलते हैं, जिसके सराउंड में यहाँ पे आपको L शेप में डे टाइम रनिंग लाइट भी देखने को मिलती है जो कि इसकी फेस लिफ्टेड वेरियंट्स में आते हैं। एंड इसके बम्पर की अगर हम बात करें तो इसके एयर इंटेक के अंदर भी यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलती है। एंड इस गाड़ी में कंप्लीट किट्स जो है वो निस्मो वेरियंट्स में ये प्री इंस्टॉल आती है। इसके अलावा अगर हम इसके हुड की बात करें तो ये भी कार्बन फाइबर हुड है जो कि पेंट हुआ है। एंड इसके अंदर भी यहाँ पर आपको एयर इंटेक मिलते हैं जो कि कार्बन फाइबर ट्रिमिंग में, ये तो बिल्कुल नज़र आ रही कि कार्बन फाइबर है, तो ये भी इसमें दी गई है। इसके अलावा गाड़ी की अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल इसकी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका रूफ़ और साइड विंडो का दरवाजे का जो स्टाइल है डोर का वो आगे से नीचे की तरफ ही आ रहे हैं जो कि एक जेट लुक प्रोवाइड करती है। जिसकी अगर हम अलॉय व्हील्स की बात करें तो इसमें अलॉय व्हील्स भी 20 इंचेस के वॉक रेसिंग की 20 इंचेस के रिम्स में दिए गए हैं। एंड साथ में अगर हम इसके फेंडर की बात करें तो इसमें यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर में एक ट्रिम देखने को मिलती है जिसके अंदर बेसिकली एयर इंटेक दिए गए हैं जो कि एयर को ड्रैग करती है और परफॉर्मेंस में काफ़ी हेल्प करती है। एंड यहाँ पर आपको इसके ऊपर भी GTR की बैजिंग मिलती है। एंड यहाँ पर आपको 20 इंचेस के वॉक रेसिंग एलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि निस्मो वेरिएंट्स में अक्सर हमने देखे हैं कि निस्मो वेरिएंट्स में आते हैं। एंड इसके अलावा अगर हम इसके ब्रेक्स की बात करें तो इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं जो कि डबल पिस्टन में आते हैं ब्रेम्बो कैलिपर्स के साथ, जो कि काफ़ी एक हैवी ड्यूटी इस ये प्रोवाइड करती है। एंड रेयर पर भी यहाँ पर आपको डबल पिस्टन इसके ब्रेम्बो कैलिपर्स मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक बैजिंग मिलती है वॉक रेसिंग की। एंड इसमें यहाँ पे आपको इसके सराउंड में ट्रिमिंग जो है कैंसाई के फेंडर्स एक्सटेंशन मिलते हैं जो कि आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी ये बाहर इसके फेंडर्स आए हैं।
तो गाड़ी की अगर हम इसके रियर लुक डिज़ाइन की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ चीज़ें आपको चेंज नज़र आ रही होगी, वो ये है कि इसमें बम्पर जो है वो चेंज है। नेस्मो वेरिएंट में यही चेंज आती है, बाकी और GTRs में आपने लोगों ने देखे होंगे कि वो थोड़ी सी अलग है। एंड इसमें थोड़ी सी इसकी कंप्लीट शेप अक्सर आपको कुछ चेंजेस नज़र भी नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस है। इसके अलावा इसके अगर हम स्पॉयलर की बात करें तो कार्बन स्पॉयलर मिलता है, लेकिन ये जो है चेंज है, इसकी हाइट जो है थोड़ी सी ज़्यादा है इस स्पॉयलर की, तो ये भी इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल की गई है, जो कि सीक्रेट है, इसका नेम मैं बता नहीं सकता। इसके अलावा अगर हम इसके नीचे बम्पर की स्प्लिटर्स की बात करें तो इसमें यहाँ पे भी एयर इनटेक के अंदर आपको डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम मिलते हैं, यानी 4 एग्जॉस्ट सिस्टम प्रोवाइड की गई है। एंड यहाँ पे भी कुछ कट्स आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि एयर को ड्रैग करती है। तो अगर हम इसके ट्रंक स्पेस चेक करें तो ट्रंक स्पेस जो है वो इसकी डेप्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी डिग्गी जो है थोड़ी सी हैवी होती है स्पॉयलर की वजह से, तो इसमें यहाँ पे शॉक्स सपोर्ट के लिए दी गई है। एंड इसकी डेप्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बाकी इसमें आप अपने डेली यूज़ जो है आप कर सकते हैं, इसके अंदर सामान रख सकते हैं। तो ये थी निसान GTR R35 निस्मो वेरिएंट, जो कि 2009 मॉडल की कंप्लीट डिटेल रिव्यू मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन के ज़रिए अपने राह से आगाह करते रहें। एंड ये भी बता दीजिएगा कि ये रिव्यू और ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये इंफॉर्मेटिव है या नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए यस और नो से आगाह कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की इसी तरह नोटिफिकेशन आती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यूज़ में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।